मैं धनजीत तिवारी संस्कृत शिक्षक मॉडर्न पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में सभी छात्र का स्वागत है। आज का वीडियो में विषय संस्कृत व्याकरण आज लकार की चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको आसान से आसान तरीका बताएंगे लकार के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो में लकार। इसको अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेंस, और टेंस किसको कहते हैं काल। टेंस क्या होता है काल होता है, और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं लकार बोलते हैं। तो आप देखिए कि लकार पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पांच प्रकार होते हैं। लेकिन हमें फाइव क्लास में मात्र तीन ही लकार के बारे में पढ़ना है। तो फाइव क्लास में तीन ही लकार के बारे में आपको बताया जाएगा, लट लकार, लन लकार और लिट लकार। तो लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल, और लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल, और लिट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल। तो आप जानते हैं कि वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, लंग लकार को पास्ट बोलते हैं, और लिट लकार को भविष्यत, यानी लिट लकार को आप क्या बोलते हैं फ्यूचर टेंस बोलते हैं। आप समझ गए? तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो काम समान रूप से जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। भूतकाल जो बीती हुई बात को, जो हमें जानकारी प्राप्त बीती हुई बात के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसका प्रयोग भूतकाल में होता है, और लिट लकार में भविष्य की बात, यानी भविष्य के बारे में मैं कल वहां जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, तो कल अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं नहीं जा सकता, प्लान कैसे कर सकता, यानी भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए लट लकार के बारे में, इसके पहले भी हम आपको वीडियो में बता दें कि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। कितने होते हैं? एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन। और संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आइए सबसे पहले हम लट लकार की चर्चा की जाए। लट लकार के बारे में हम पढ़ेंगे, लट लकार वर्तमान काल, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वचन बताए तीन होते हैं संस्कृत, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष प्रथम पुरुष, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में लकार ती त अंति, ती त अंति हो गया। मध्यम पुरुष में में, और आ गया आ रहा है तो बच गया, ये दो बच गया, नी आता
यानी पठंती, क्या बन गया पठंती। इसी तरह पठसी, ठीक है, और इसको पठता, क्या बना पठता। इसमें देखिए दो वचन में विसर्ग होता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है, तो ये पठक। उसी तरह प था, देखो यहां पर आ है, क्या है आ है, तो था, क्या बोले था में आ रहा है, यहां पर था मी, क्या हो गया पठा मी, यहां हो गया पठाव, क्या हो गया पठाव, और यहां क्या हो गया पठामा, क्या बन गया पठामा। अब ये हुआ आपका धातु, क्या हुआ ये आपका धातु, ये तो पठ हो गया, पठ किस पठ में आ गया, आप जानते हैं कि हिंदी वर्ड है और इसका हिंदी का हिंदी अर्थ हो गया पढ़ना। तो आप जानते जब ती ट अंत सी थ थ आमी आव आम, ये जब हम लकार दिए और इस शब्द में जब हम जोर दिए इस लकार तो ये बन गया धातु। इसी तरह जितने भी होगा शब्द पठ गम लिख हंस वो सब में इसी तरह हम लोग जोड़ देंगे तो आपका धातु बन जाएगा। तो ये आपका लट लगा यानी वर्तमान का हो गया, क्या हो गया वर्तमान का। जब भी हमेशा कोई काम अभी जो चल रहा है समान रूप से जब भी प्रयोग होगा तो आपका इसी में प्रयोग होगा, इसी लगा। अब हम समझेंगे किसमें, भूतकाल में। अब यहां पर हम लोग भूतकाल के बारे में यानी लग लग के बारे में पढ़ेंगे। शब्द था इसमें लगा रहा है तो पहले लगाएंगे, क्या बन गया पठ्ठर,
इसमें भी और जोड़ देंगे, पहले सबसे पहले और जोड़ देंगे, हो गया ना, अपठक अपठताम अपठन। उसी तरह अपठा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ विसर्ग है तो ठ में और अहम पद था, इसमें क्या हो गया विसर्ग हो गया, फिर ये हो गया अपठा, ठीक है। अब यहाँ पर अपठतम, प्यारे बच्चों ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आकार है और यहाँ पर आकार नहीं है, क्योंकि देखिए अकाम आकार है और इसमें तम है, यानी मध्यम पुरुष में आकार नहीं होता है, ठीक है। आकार किस होता है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो यहाँ अपठताम क्या हो गया, अपठतम हो गया। अब यहाँ पर अपठक, अब क्या बनेगा अपठक, ठीक है। अब उत्तम पुरुष अम आव आम, तो फिर उसी तरह पक्ष देख देंगे और पहले जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया अपठम, क्या हो गया अपठम, उसी तरह अपठाव हो गया, उसी तरह अपठाम अपठाम, ठीक है। ये भी यहाँ पर आकार है, इसलिए यहाँ पर अब तो आकार हो गया, तो यानी आप हो गया अपठाम। तो हम लोग इसी तरह आपको धातु रूप आपको बनाइएगा, देखिए अ अताम अन और अतम अब अम आओ आम अपठक अपठताम अपठन अपठक अपठतम अपठक अपठम अपठाव अपठा, समझिए कैसे हमने जोड़ा, यानी लंग लकार में ही अ शब्द के पहले लगता है। तो जब भी आप धातु रूप लकार जब जोड़िएगा लंग लकार में, तो आप ध्यान रखें कि अ शब्द के पहले लगाइएगा, अगर अ नहीं लगाएंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा, इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा बीते हुए काल स्थित में होता है। राम एक राजा थे, अब तो है नहीं ना, अब थे वो बीत गया है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसका लंग लकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीड लगा, क्या पढ़ेंगे लीड लगा के बारे में, भविष्य काल के बारे में, भविष्य के काल में, इसका एक सूत्र है, इसका एक सूत्र हम आपको बताते हैं, इसके में प्रयोग होगा इस व्यक्ति का, इसमें प्रयोग होता है इससे, आप कैसे इससे, मैंने इतना जान लीजिए कि आपको इसमें प्रयोग होगा इससे, ठीक है। और इसका प्रयोग हमेशा लट लगा के तरह ही होता है, इसके तरह होता है लट लगा के तरह, ठीक है। ऐसे जैसे इस यदि अंत में दिया जाए इस आपको लिट लगा में दिया, इस यदि सेम आप तुरंत लगा इस्यामि इस्याव कैसे करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि ई ई का मतलब होता है हसी,
हंसीदार, क्या होता है ई का मतलब होता है हंसीदार। तो हम किसी न किसी अक्षर में हंसीदार का प्रयोग करेंगे, तो यह जो ई का हंसीदार हो गया तो हम इसमें इसमें ख में प्रयोग करेंगे। तो ठीक है पट्टी, अब उसके बाद क्या बना आधा श, उसके बाद क्या है या सॉरी हाँ यह है, उसके बाद क्या है ती है, तो क्या बना पट्टी। अब देखिए कैसे हमने जोड़े हैं, ये प्रथम पुरुष में ई हर्षिकार हो गया, ये हो गया यहाँ पर आधा स, यह हो गया और ये आपको ती हो गया यानी पट्टी। उसी तरह आपको ई का मतलब हर्षिकार, ये मंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो ई का मतलब होता है हर्षिकार, दीर्घ का मतलब होता है दीर्घी का, उसी प्रकार हम हर्षिकार का ही प्रयोग किए। तो फिर उसके बाद ये तीन जो हम उतारेंगे यानी पठिष्यतः, क्या बन गया पठिष्यतः, और ये उसी तरह पठिष्यन्ति। कितना आसान है, सिर्फ जोड़ना है आपको, याद करना है बस। इस्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यतः स्यत् स्यामि स्यावः स्यामः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, इतनी आसान है। एक बार आप याद कर लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आइए फिर मध्यम पुरुष में पठी शशि, क्या हो गया पठी शशि पठी श्यता और पठी श्यंती, तो आप देखें पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यन्ति। अब उत्तर पुरुष में पठिष्यामि पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका पठिष्यत पठिष्यत और पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे और याद करें। जैसे आप लट लगा लट लगा लंग लगा और लिट लगा के बारे में आप याद कर लेंगे, ये आपका लगा याद कर लेंगे तो आपको किसी शब्द में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक याद ये आप सूत्र ये सब याद कर लेंगे तो आपको लगा धातु रूप में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब आपको होमवर्क के लिए आपको हम कुछ देते हैं, लिखना, गम इस जाना, धाव इस दौड़ना, ठीक है। आप चार चार लिख कर आप अपने कॉपी में चार जो शब्द मैंने दिया इसको धातु यानी लकार पर चार तीन लकार पर जोड़ कर आपको लिख कर याद करना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क बनेगा, जब भी आपकी चेक की जाएगी। आज के वीडियो में लकार की चर्चा की गई है और इससे जितने भी शब्द धातु रूप है कैसे धातु रूप हम लोग याद करते हैं, तो सबसे पहले हमको लकार याद करना होगा, उसके बाद धातु रूप में जोड़कर हमको याद करना होगा। तो आपको अनुवाद बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही आपको बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।